मुझे अच्छी तरह से याद है, छोटा था तब बचपन में देवऋषि नारद की मेरे मन में क्या तस्वीर अंकित थी। देवऋषि नारद की तस्वीर थी कि वो एक चुगली करने वाले व्यक्ति हैं, इधर की जाते हैं उधर लगाते हैं, उधर की जाते हैं इधर लगाते हैं। ये तस्वीर हमारे मन में कैसे अंकित हुई? ये तस्वीर हमारे मन में मीडिया नहीं लेकिन मास मीडिया का जो एक हिस्सा है सिनेमा, सिनेमा से अंकित हुई। सिनेमा ने, आप पिछली तमाम फिल्में उठाकर देखिए जिसमें देवऋषि नारद को दिखाया गया है, कभी यह समझाने की कोशिश नहीं हुई कि देवऋषि नारद जो हैं वो सही जगह पर सही जानकारी सही समय पर दे देते थे और उससे बहुत कुछ अनिष्ट होने से बच जाता था। यह भूमिका नहीं दिखाई लेकिन देवऋषि नारद को जिस तरह से डिपिक्ट किया गया, देवऋषि नारद की अधिकतर भूमिकाओं में अगर आप देखेंगे तो किनको आप देखेंगे, एक कलाकार होते थे जिनका नाम था जीवन और वो जीवन खलनायक थे फिल्मों में, तो जो खलनायक की भूमिका करते थे उन खलनायक की भूमिका करने वाले जीवन को देवऋषि नारद के रूप में दिखाया गया। ये जहर धीरे धीरे हमारे मन मस्तिष्क में भरा गया